तो हेलो गाइस, इस पे डिजेबल रैपर हियर। आज मैं सिखाऊंगा बीमोल का चाटनी कैसे बनाते हैं। वो जो चाटनी इतना मज़ेदार होने वाला है, जो आप राइस के साथ खा सकते हो, मोमो के साथ खा सकते हो, गोलगप्पे के साथ खा सकते हो, और स्पेशली मोटू पतलू का समोसा के साथ भी खा सकते हो। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नया हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और साथ में जो घंटी आते होता है ना, घंटी भी बजा के जाना, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो जब आएगा ना, तब आपके सामने जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अगर बीमोल का चाटनी बनाना ना, तो आपको ज़रूरत है एक बीमोल की पैकेट का, और एक दर्जा, जो बीमोल का वाइफ होता है ना, दर्जा, ये जरूरत है। तो आपको ऐसे सीखना होगा, आई मीन अनबॉक्स करना होगा बीमोल का। हो गया, कैमरामैन जरा पास आके दिखाइए। तो मैं इतना बीमोल लेता हूँ, डालता हूँ। ये रहा केला, डाल दिया, लोदे में डाल दिया, और भी डाल दिया। और अब और अभी रहा इसका पत्नी दर्जा। अच्छी तरीके से देते। हाँ, ये रहा लहसुन, जो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो करेगा। लहसुन डाल दिया, थोड़ा कूटता हूँ। तो भी हो गया। केला देता हूँ, ज्यादा बड़ा केला नहीं, छोटा केला है, पूरा डालता हूँ। ये रहा चंपति का ये फूल, जो इसका खुशबू बहुत मज़ेदार होता है, इसका खुशबू, तो इसको भी डाल देता हूँ। ये रहा एक पत्ता, मोमबत्ती का पत्ता, जो इसका देश और खुशबू को 500 किलोमीटर दूर से अपने ग्राहक को खींचे लेकर आते हैं। ये रहा वो पत्ता। ये है रहा डॉल्फिनी के पत्ता, जो इसका टेस्ट को मजेदार को तो करता है, उसके साथ हल्दी मिर्ची का नमक इन जरूरत नहीं है। ये रहा वो पत्ता जो टेस्ट को बढ़ाता है। और लास्ट में ये पत्ता, जो पता नहीं क्या होता है, लेकिन नशे लाता है, जो बीमोल का बीमोल भी ये पत्ता से बनता है। अभी खुशबूदार आ रहा है, और अभी एट लास्ट ये रहा नमक, थोड़ा नमक देते हैं, नहीं तो खट्टा हो जाएगा, इतने जरूरत है नमक का। तो मैं इसको मिलाता हूँ। हाँ, और अभी थोड़ा हल्दी मिलाते हैं। आह, क्या खुशबू है बीमोल का चाटनी, मुझको प्यारा। थोड़ा हल्दी मिलाते हैं, नहीं नहीं ये तो थोड़ा मिर्ची है, सॉरी हल्दी नहीं, जस्ट इतना ही जरूरत है। तो मिलाते हैं,
तो दोस्तों वो थोड़ा बीमो मिलते ये ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा और बीमो मिलते मेरा हाथ भी बढ़ गया गुटका मुझको प्यारा बीमो है गुटका मुझको प्यारा हाँ मैं इस वीडियो को अजय देवगन के पास शेयर करके दो ताकि अजय देवगन भी मेरा वीडियो देखे। तो हमारा चाटनी तैयार होने हो रहा है। ये चटनी जो इतना मजेदार होने वाला है, जो आप राइस के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, और गोलगप्पे के साथ खा सकते हो, और मोमोज के साथ खा सकते हो, जो इतना मजेदार टेस्ट है, कितना टेस्ट है। और साथ में क्या बोलते हैं, मोटू पतलू का समोसा, समोसा के साथ खा सकते हो। वाह वाह क्या बड़ी खुशबू है। तो मेरा खुशबू हो गया, डालता हूँ। तो देखिए ये रहा चटनी बन गया, नहीं उतर रहा है। तो आप लोग के सामने एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। वाह वाह क्या मजेदार टेस्ट है। क्या लोग आप लोग खाना चाहते हो? ये रहा रोटी, तो आप ये रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत मजेदार टेस्ट होता है। तो मैं खाकर दिखाता हूँ। ये रहा रोटी, इसको ऐसे घुमाओ, ये लग गया, आई मीन थोड़ा लगता है लेकिन टेस्ट बहुत आता है। जो इतना आता है कि कोई बना नहीं सकता, ये जिले मंजल का आविष्कार है बीमो का चटनी। तो मैं खा के दिखाता हूँ। यम अमरू यम दूध, वाह क्या मजेदार टेस्ट है। उफ क्या बताऊं, अभी खाता हूं। ये रहा ले लिया, क्या टेस्ट है। वाह ये कोई नहीं बना सके, कोई स्किप भी नहीं बना सके, कितना मजेदार टेस्ट है। मैं तो पेट भर गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रख रहा। अगर आपको ये चाटनी बनाना ना तो आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत मजेदार होता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। ये सिर्फ मैंने ही आविष्कार किया, डीजी मिनल का आविष्कार का चटनी। तो चाहते चाहते ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और साथ में लाइक का आइकन भी दबाना, साथ में घंटी भी दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले पहुंच सके। और अलविदा नहीं कहना चाहता हूँ, जस्ट बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।